आज के जीवन की शैली में जब इंसान हर समय कार्यरत रहना चाहता है तो दूर दूर तक भ्रमण करता है। ऐसे में दुनिया की बहुत तेजी से जोड़ों की बीमारी, जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, तेजी से बढ़ रही है। इसका मुख्य कारण खान पान वृद्धता की जनसंख्या में वृद्धि एवं मोटापा है। इस बीमारी में महिलाएं ज़्यादा शिकार होती हैं। कारण अधिक वजन, अनुवांशिक बार बार घुटने पर चोट लगना, हड्डियों में कैल्शियम एवं विटामिन डी की कमी का होना। इससे हर समय जोड़ों में दर्द रहता है। चलने में दर्द के कारण परेशानियों एवं जोड़ों का टेढ़ा हो जाना आम कारण है। इसी कारण से जीवन स्तर सुधारने के लिए इन जोड़ों को बदलने की आवश्यकता महसूस की गई है और बड़े जोड़ जैसे कि कुल्हा एवं घुटना को बदलने की प्रक्रिया शुरू की गई है। मुरादाबाद में साईं सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में पिछले 10 वर्षों से घुटना एवं कुल्हा प्रत्यारोपण किया जा रहा है। माता जी, क्या वो क्या दिक्कत थी आपको घुटने में, क्या हुआ? घुटने में कैप आ गए थे, बहुत चला नहीं जाता था। अच्छा, कब आप उसने ऑपरेशन कराया? मैंने अभी 1 साल 3 महीने। और कैसा महसूस करती हैं? ठीक चल फिर पाती हैं? एक्सरसाइज भी करती हैं? पहले क्या दिक्कत थी? पहले चला नहीं जाता था, लगा लगा के चलते थे। है और मैं पिछले 11 वर्ष से साईं हॉस्पिटल में एज ऑर्थोपेडिक सर्जन काम कर रहा हूँ। आज हमने पिछले 10 वर्ष में किए गए घुटना और कुल्हा प्रत्यारोपण के मरीजों को बुलाया जो मेरे द्वारा किए गए हैं, और उनका हमने एक रूटीन चेकअप कैंप रखा और एक अवेयरनेस कैंप रखा कि उन्हें, जिनके घुटने और कुल्हे तो बदले गए हैं पर उन्हें आगे क्या ऐसे प्रिकॉशन लेने चाहिए जिससे इस सर्जरी का वो ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें और ये सर्जरी का लाभ उन्हें लंबे समय तक मिल सके। तो आज ये बताया गया उन लोगों को कि एक तो उन्हें ज़मीन पे नहीं बैठना है, इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं करना है, खान पान में कैल्शियम की चीज़ें, दूध, दही, पनीर, हरी सब्जियां ये ज़्यादा लेनी है, और रेगुलर एक्सरसाइज और वॉक करनी है। मरीजों के एक्सपीरियंसेस भी शेयर करे गए, उन लोगों ने दूसरे मरीजों को बताया और लगभग 95% मरीजों ने ये बताया कि वो इस ऑपरेशन से बहुत खुश हैं और ये उन्होंने अच्छा किया, ये ऑपरेशन कराया और उनकी लाइफ बेहतर हो गई इस ऑपरेशन के बाद। तो ये इस कार्यक्रम का पहला पार्ट तो ये था। दूसरा पार्ट ये कि आज साईं हॉस्पिटल में हमने नेविगेशन सिस्टम यानी कि कंप्यूटर द्वारा घुटनों का प्रत्यारोपण शुरू किया है जो कि बहुत ही एडवांस टेक्निक है, जिससे प्रत्यारोपण जो है एक तो जल्द उसका सर्जरी टाइम कम हो जाता है, प्लेसमेंट या अलाइनमेंट ऑफ द जॉइंट बढ़िया हो जाती है जिसकी वजह से लॉन्गेविटी ऑफ इम्प्लांट की लाइफ यानी कि ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल करीब 20 से 25 साल तक रहेगा। सर, कितना खर्चा आता है इसमें? इसमें लगभग एक घुटने का 1,30,000 रुपये खर्चा आता है और दोनों घुटनों का अगर हम ऑपरेशन करते हैं तो 2,50,000 रुपये का खर्चा बैठता है। क्या ये बीमारी अनुवांशिक है? ये बीमारी अनुवांशिक है पर इसकी परसेंटेज करीब 15-20% है अनुवांशिक, पर ज़्यादातर ये ओल्ड एज में होती है। और दूसरा, वजन ज़्यादा बढ़ना, एक्सरसाइज ना करना और कैल्शियम या डाइट्री इरेगुलरिटीज़ की वजह से ये ओल्ड एज में प्रॉब्लम होती है। इससे बचाव कैसे किया जा सकता है? इससे बचाव करने के लिए हमें एक तो यंग एज से ही एक रेगुलर नियमित डाइट प्लान बनाना चाहिए जिससे हमें संतुलित आहार मिले और वजन भी ना बढ़े हमारा, और दूसरा रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे कि मांसपेशी और हड्डी मजबूत रहे। यही दो कारण हैं जिसकी वजह से इसको टाला जा सकता है।